ट्रैवल विथ विपुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ विपुल। आज हम जाएंगे वलसाड से नवसारी तक की राइड करेंगे। नेशनल हाईवे होके जाएंगे, हम नेशनल हाईवे 48 से जाएंगे वलसाड से वापी सॉरी वलसाड से नवसारी जाएंगे हम। ये हमारा ट्रिप रहेगा, आप अच्छी तरह से देखना, मज़े लेना। बीच में हम जाएंगे, जो रास्ते में जो जो लोकेशन आएंगे वो है चिकली आएगा, बिल्लीमुरा, वहाँ से बिल्लीमुरा भी जा सकते हैं और आगे सीधा चिकली होके हम गणदेवी, चार रास्ता होके हम सीधे चले जाएंगे। गणदेवी में नहीं जाएंगे लेकिन हम हाईवे से ही सीधे चले जाएंगे। बीच में एक टोल नाका भी आता है। आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको विनती है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमारे बहुत सारे वीडियो है वो भी आप देख लेना। वलसाड से वापी तक का वीडियो है वो भी आप देख लेना। वापी टाउन में आपको घूमना है तो वापी टाउन का भी वीडियो रखा है। सूरत के बहुत सारे वीडियो रखे हैं तो आप वो भी देख लेना। और हमारे साथ वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और आपको पसंद आया तो शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को। और साथ में कमेंट जरूर लिखना कि आपको कैसा वीडियो देखना है तो हम उस टाइप का भी वीडियो, उस सिटी का भी वीडियो लगा देंगे। तो चलो हम जाते हैं आज वलसाड से नवसारी तक नेशनल हाईवे नंबर 48 होके। आप वलसाड आते हो तो वलसाड आके आप वापी जा सकते हो, दमन जा सकते हो और नज़दीक में घूमने का प्लेस है तीथल बीच है जो कि 5-10 किलोमीटर ही है। तो आप वलसाड से आप एक दिन के लिए घूमने आते हो तो आप तीथल बीच पे भी घूमने जा सकते हो। बहुत बढ़िया बीच है, वहाँ पे बहुत लोग शाम को और वीकेंड में बहुत सारे लोग आते हैं तो आप तीथल बीच पे भी जा सकते हो। ये गुंदलाव चौकड़ी है, यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा की ओर जा सकते हो, अंकलेश्वर जा सकते हो। और राइट हैंड साइड आप जाएंगे तो वापी होके आप बॉम्बे जा सकते हो। तो ये गुंदलाव चौकड़ी है, आगे गुंदलाव GIDC भी है। वो GIDC बहुत बड़ा GIDC है गुंदलाव का, अवलसाड़ का। तो अभी हम जा रहे हैं ये हाईवे से नेशनल हाईवे नंबर 48 जो कि बॉम्बे अहमदाबाद हाईवे बोला जाता है, बढ़िया हाईवे है। तो उस पर हम जाएंगे और उसके राइड का मज़ा लेते हैं। वलसाड से आप वापी, बॉम्बे, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत सभी जगह पे जाने के लिए हाईवे यूज़ कर सकते हो। और वलसाड से आप बाई ट्रेन भी जा सकते हो क्योंकि वो वेस्टर्न रेलवे का बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से आप बाई ट्रेन भी कहीं भी जाना हो तो आप जा सकते हो, बॉम्बे की ओर जा सकते हो, अहमदाबाद, सूरत की ओर भी जा सकते हो। बाई रोड आप हाईवे से जा सकते हो, बढ़िया हाईवे है, अच्छे ओवर ब्रिज है तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी कि आपको कहीं पे भी ट्रैफिक ऐसा ज़्यादा नहीं लगेगा
और बड़ा हाईवे है और अच्छा हाईवे है, तो आप हाईवे से भी अच्छी तरह से आप ट्रैवल कर पाओगे और कम समय में बिना थकान से आप जा सकते हो। रास्ते में बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स भी आते हैं, तो आपको वहाँ पे रेस्ट करना हो तो आप रुक के खाना खा सकते हो। अच्छी होटल्स भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे रुक के खाना खा सकते हो, फ्रेश हो सकते हो। तो इस हाईवे पे, नेशनल हाईवे नंबर 48 पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इस हाईवे से ट्रैवलिंग करने का। गुजरात के सभी ऐसे तो हाईवे जो भी है वो बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं, तो उसमें भी आप उसका मज़ा ले सकते हो। मैंने बहुत सारे उसके वीडियो भी बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो कि उससे आप जहाँ पे भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो। अभी हम थोड़ी देर में चिखली पहुंचने वाले हैं। चिखली वो वलसाड से अबाउट 28 किलोमीटर है, और उसमें वलसाड से यहाँ चिखली तक आने का टाइम जो लगता है वो 30 मिनट है। और यहाँ से आप बिल्लीमोरा भी जा सकते हो। बिल्लीमोरा यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये ओवर ब्रिज है, तो आप यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो आप बिल्लीमोरा पहुँच सकते हो। और यहाँ से आप सापुतारा, वघई और डांग में भी जाना हो हवा तक तो भी आप जा सकते हो। चिखली से आप सीधा रास्ता पड़ेगा, ये ओवर ब्रिज है उसके नीचे से आप जा सकते हो। सापुतारा घूमने के लिए भी आप जा सकते हो। चिखली से नवसारी की दूरी है, आपको 30 किलोमीटर लगेगी। अबाउट 30 किलोमीटर में 30 मिनट्स में आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। और जो चिखली है वो बाई रोड जुड़ा हुआ है, तो आपको बाई रोड कहीं पे भी जाना हो तो आप चिखली से जा सकते हो। अन्यथा आप बिल्लीमोरा जो है वो बिल्लीमोरा बाई ट्रेन से जुड़ा है, तो बाई ट्रेन आप बिल्लीमोरा से कहीं पे भी जा सकते हो। बिल्लीमोरा से बाई रोड आपको नवसारी जाना है तो वो सीधा रास्ता जाता है, वो गणदेवी अमलसाड़ होके जाता है वो रास्ता, अंदर से जाता है तो वो
अबाउट 27 किलोमीटर बिल्लीमोरा से आपको पड़ेगा। बोरिया टोल प्लाज़ा है, यह टोल प्लाज़ा वलसाड़ और नवसारी के बीच में आता है चिखली के बाद। ऐसे पहला जो गुजरात में एंटर ये हाईवे पे होते हैं, गुजरात में एंटर होते हैं तो पहला बगवाड़ा जो वापी के पास टोल प्लाज़ा है वो पड़ेगा, उसके बाद आएगा ये बोरिया टोल प्लाज़ा। और आप आगे जाते हो तो वहाँ पर आपको कामरेज में इसी हाईवे पे कामरेज में सूरत के पास भी आएगा, और आप सूरत में एंटर होते हो जो हजीरा रोड से जाते हो तो आपको वहाँ पे भाटिया टोल प्लाज़ा पड़ेगा। तो ऐसे आप सूरत में डायरेक्ट जाते हो, नवसारी से आप डायरेक्ट चले जाते हो तो आप भाटिया टोल प्लाज़ा भी नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट चले जाओगे। लेकिन आप पलसाना से अदर जाओगे तो आपको भाटिया टोल प्लाज़ा क्रॉस करना पड़ेगा, और आपको वो भी क्रॉस नहीं करना है तो भाटिया जो टोल प्लाज़ा से पहले और भी जाता है वहाँ से आप नीचे से सीधे चले जाओगे तो आप सूरत में सीधे अंदर टिंडोली होके उधना तक पहुँच जाओगे। तो ऐसे आप सीधे जा सकते हो सूरत से वापिस से लेके अहमदाबाद तक जो भी टोल प्लाज़ा आते हैं उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लेना। हाईवे पर जितने भी टोल प्लाज़ा आते हैं वापिस से बगवाड़ा, फिर ये बोरियाज, उसके बाद आता है कामरेज आता है, कामरेज के बाद आता है नर्मदा ब्रिज पे जो अभी नया ब्रिज बना है वहाँ पे एक टोल प्लाज़ा है, और उसके बाद करजन टोल प्लाज़ा आता है। वहाँ से सीधा आप जाओगे तो एक्सप्रेस हाईवे जब आता है तो एक्सप्रेस हाईवे का आता है टोल प्लाज़ा, और इतने टोल प्लाज़ा वहाँ पर आपको लगेंगे तो वो टोल प्लाज़ा का भी मैं एक वीडियो रख दूंगा, वो भी आप देख लेना।
तो अभी हम नवसारी पहुंच गए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर बताना, साथ में दूसरी राइड के लिए आप तैयार रहना। जो भी दूसरे वीडियो है वो देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आप जल्दी से देख सको। और हम फिर से दूसरे वीडियो में मिलेंगे, आप सब्सक्राइब जरूर कर दो और हम इसमें मिलके पूरा वीडियो देखेंगे।